अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अली रज़ा व्लॉग्स। दोस्तों आज इनको ना परिंदों का मैं ना सुबह टाइम ऑफिस से ले आता हूँ, तो आज भी टाइम नहीं लगा, दोपहर टाइम आया था मैं। इनको रोटी के भरे खिलाए पहले, उसके बाद जो है ना इनको पानी वगैरह पिला के ना एलोवेरा वगैरह आज मैंने इस्तेमाल कराया। एलोवेरा आप भी इस्तेमाल करें। ये देखिए ना, ये काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े हैं, 5-6 थे इस तरह के ना, तो जिनमें सिर्फ ये 2 बचे हैं, बाकी सारे इन्होंने खा लिए थे, खुद नहीं खाए थे। उनको छोटे छोटे पीस करके ना खुद मैं अपने हाथों तोड़ के खिला रहा था, वो सारे कबूतर ने माशाल्लाह खाए हैं। लेकिन दोस्तों आज ये हुआ कि ना जो लाखा बच्चा था ना हमारा, बड़ी लाखी मादी का कट्ठा, वो दोस्तों उसने पता नहीं पत्थर खाए हैं, वो बैक साइड से जाके ना दीवार के पास, तो उसका ना पता नहीं क्या मसला बना हुआ है, वो सुस्त होकर बैठा हुआ है, ये जा रहा है। बाकी इनको दाना मैं खिलाता हूँ, अल्लाह करे ये बेहतर हो जाए, दवाई की जा सकती है क्योंकि ढीला मठा हुआ था, अब ये कुछ बेहतर लग रहा है, हजम वगैरह हो गए होंगे, वो पागल जैसा है ये। अब ये देखें एलोवेरा खा रहा है, ये देखें ये पड़ा हुआ है। अब इनको दाना खिलाता हूँ पेड़ भर के, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा ये हेल्दी हेल्दी हो जाएगा। ये इसके काम चेक करो, एक वो उधर जाकर बैठ गया, वो एक मिनट सब्र कर देता हूँ तुम लोग, ये देखना पैक करेंगे बेहतर हो जाएगा। बाकी उनको दाना डालता हूँ, ये देखो बाल्टी उठा दी, चल भाई निकल। बाकी दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जो भाई चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करेगा। और 35-16 जोड़ा रह गया अंदर ही यार, ये इसको हमेशा भूल जाता हूँ मैं, ये लादा पड़ा होता है ना दीवार के साथ, इस वजह से ये आ गया मसला से। ये माती भी हेल्दी एक्टिव है माशाला से। अब इनको खिलाता हूँ दाना पेड़ भर के, इनशाला ये और हेल्दी एक्टिव हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह, आज दोस्तों ये जो 35-16 है ना नर, ये आज हाथ पे बैठ रहा था मेरे ना, जिस टाइम एलोवेरा खिला रहा था 2-3 बार आया मेरे हाथ पे, माशाल्लाह बड़ी अच्छी फीलिंग आई दोस्तों। बाकी वो दाना मैंने काफ़ी ज़्यादा नीचे फेंक दिया है, अब ये खाते रहेंगे, तब तक जो है ना उनको पानी डाल दूंगा, प्यास रख के पानी पिलाऊँगा। ये लो खाते रहो आप, जल्दी दाना ख़त्म नहीं होने वाला, इनसे लगे रहेंगे कोई 5 मिनट खाने के लिए, खाते रहेंगे इजी हो गए। ये देखें ये सारा दाना नीचे मैंने बिखेर दिया, ये फर्श आपको पता है कल धोया था मैंने, तो इस वजह से अभी भी साफ ही है ये फर्श ना। बस इधर जो है ना ये मिस्त्री वगैरह काम कर रहे हैं, इनकी वजह से ना ये देखें नीचे कितना पत्थर पड़ा हुआ, इसने ना पट्टे ने ये वाले पत्थर खाए थे बड़े बड़े, कुछ इसने बाहर उगल दिए थे, कुछ इसके अंदर ही थे, जो कि अब हजम कर चुका होगा अल्लाह करे। बाकी दोस्तों ये देखिए मौसम का नज़ारा ले, साफ आसमान है, धूप निकली हुई अभी तक धूप है, अभी ये दाना खा लें उसके बाद इनको पानी रखूँगा मैं। ये देखिए ना एलोवेरा जेल इस प्लेट में लेके आया था, ये देखिए अभी भी इसके निशान पड़े हुए हैं, इसको अब अच्छे तरीके से वॉश करके ना फिर रखूँगा नीचे। ये है पट्टा दोस्तों जिसको मसला बना हुआ था, बाकी अल्लाह खैर करे बेहतर हो जाएगा खुद ही। बाकी दोस्तों इंशाल्लाह कल मेरा इरादा बन रहा है ना इसकी खुडे की सफाई कर दूँ, क्योंकि पहले वो पतरे से की थी लोहे वाले से, लेकिन ना ऊपर ऊपर से की थी, नीचे वैसे ही गंद पड़ा हुआ सारा, इंशाल्लाह कल टाइम निकाल के इसकी सफाई करूँगा, बस बहुत हो गया। वो साफ सुथरा हुआ ना तो बंदा मुतमईन रहता है फिर सेटअप को देख के।
मसला पींदे हेल्दी एक्टिव में सेटअप गंदा होगा ना वो मज़ा नहीं आता दोस्तों फिर। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये देखें दोस्तों अभी भी सुबह चमक रहा है, शाम का टाइम है 4:30 बजे का। बाकी इनको दोस्तों मैं थोड़ी देर ना पानी रख दूंगा, ये दाना पहले अच्छे तरीके से खा लें, अभी भी काफ़ी दाना बिखरा पड़ा नीचे। ये देखें ये इजी होकर सारा खा लेंगे, उसके बाद प्यास रख के इनको पानी पिलाऊंगा, क्योंकि सर्दियों में पानी कम पीते हैं, प्यास रख के पिलाऊँगा ना तो पानी ज़्यादा पियेंगे फिर। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।